आज का व्लॉग तो यार वेरी वेरी स्पेशल व्लॉग है गाइज। या आज का आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मेरी सो गाइज मिठाई भी मैंने ले ली है। सो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइज मैं आज कहीं जा रही हूँ, फिर से कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहीं पास में ही जा रही हूँ, बुजौरा तक जा रही हूँ। 10-15 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे मुझे, यहाँ से लग जाएंगे मुझे। तो गाइज क्यों जा रही हूँ मैं आज? मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना गाइज, उसकी जो डिलीवरी हुई है 13 अगस्त को हुई थी उसकी डिलीवरी, वो नैरचौक मंडी में हुई थी। तो वो लोग कल आ गए थे, घर जा रहे थे वो लोग, तो वो जाम में इतने फंसे कि उनको यहीं पे ही रुकना पड़ा। बिजौरा में रुके हैं वो, जो मेरी फ्रेंड है ना, उनकी बुआ की बेटी का घर है बिजौरा में ही, तो यहीं रुक गए वो रात को। मुझे इस बात का पता सुबह ही लगा, हालांकि मैं उनको कॉल कर रही थी कल और उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ना वहाँ पे, तो फिर कॉल पिक करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इंसान। तो सुबह मैंने पता किया कि वो लोग यहीं पे ही है, तो मैंने सोचा यार मेरे पास में ही आ गए हैं वो लोग, तो मेरा मिलना तो बनता ही है। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं उसकी बेबी को मिलूँ, उसे भावना से मिलूँ, उसके हाल चाल पूछूँ, भावना है मेरी फ्रेंड का नाम। तो गाइज भगवान खुद ही ले आए मेरे पास उनको, और मैंने सोचा तो ये मौका तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि उन्होंने घर जाना है, और मैं फटाफट नहाई और एकदम रेडी हो चुकी हूँ। ये वाला सूट डाला है मैंने आज, फिर अभी मेरे बाल भी गीले हैं, इनको मैं ऐसे ही खुला ले जा रही हूँ। सो गाइज ज़्यादा देरी न करते हुए करती हूँ मैं ब्लॉग शुरू, क्योंकि वो लोग चले जाएँगे फिर लेट हो जाएंगे। तो करते हैं ब्लॉग शुरू, और आप भी ब्लॉग में देख लेना उसकी बेबी को और भावना की हालचाल। वो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है गाइज, बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए फिर करते हैं शुरू ब्लॉग। ये देखिए गाइज, जल्दी के चक्कर में इतना खलारा पड़ गया है ना, ये मैं ऐसे ही रख दूंगी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये छोटू सा पर्स मैं ले जाऊँगी, देखो उनके कपड़े भी ऐसे ही हैं, तो फटाफट कर लेती हूँ। ये हैं कि रहा, चलो इसको रहन देती हूँ, और मुझे चार्जर भी डालना ही पड़ेगा। तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ, बाद में जो ये रूम में खिलारा पड़ा है ना, इसको मैं बाद में साफ कर लूँगी। तो चलिए फिर फटाफट निकल गई हूँ मैं, यहाँ पे ताला बाहर लगाऊंगी मैं। सो गाइज मैंने यहाँ से पैसे भी थोड़े से निकाल दिए और अभी निकलते हैं। अभी मैं कुछ स्वीट ले जाती हूँ, मिठाई ले जाती हूँ, क्योंकि पहली बार जा रही हूँ मेरा दीदी के घर भी, मिठाई लेना तो बनता है। मैं निकल चुकी हूँ रूम से और मैंने मिठाई भी ले ली है, और मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी है, इतनी ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है, नहीं तो वो लोग निकल जाएंगे घर की तरफ। और गीले बालों से चली हुई हूँ मैं। लेने तो मैंने बेबी के लिए कपड़े थे, पर मैं कपड़े नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी कपड़े लेते लेते। तो मैं उसको पैसे ही शगुन के रूप में दे दूँगी। और यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है आजकल, तो जल्दी भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो धीरे धीरे मेरे बाल भी सूख रहे हैं। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ बुजौरा में, तो अभी मैं क्रिश का वेट कर रही हूँ। क्रिश है मेरे फ्रेंड के हस्बैंड, जो कि आ रहे हैं सामने से। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हम लोग पैदल आए आधे रास्ते तक। आए तो गाइज अभी मैं पहुँच चुकी हूँ और क्रिश भी मुझे मिल चुके हैं, हाई कर दो। हेलो। तो ये है गुड़िया के पापा, तो ये है उनका घर, मेरा दीदी का घर। अरे यार, तो चलिए फिर चलते हैं अंदर की तरफ। मैंने सोचा व्लॉग बनाना तो बनता है आज, है ना? जब आपने बनाया चैनल तो बनाइए। हाँ, बहुत ही प्यारा घर है। है ना? तो फिर चलिए अंदर की तरफ।
हेलो नमस्ते दीदी। और ठीक ठाक बढ़िया बोलो। सो गाइज मिली हमारी प्यारी सी गुड़िया से और बेटा वेलकम टू दी वर्ल्ड। इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मासी की दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हेल्दी रहो। सबसे बड़ी होती है हेल्थ, तो आप हमेशा हेल्दी रहने चाहिए, यही मैं भगवान से प्रे करूँगी। और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपकी मम्मी से भी मिलके मुझे काफ़ी टाइम, एक साल हो गया, एक साल के बाद मैं मिली भावना से, तो दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत प्यारे हो, इसी तरह से आप प्यारे बने रहो और खुश रहो, स्वस्थ रहो। लव यू। हेलो बेबी की मम्मा, हाय कर दे तू भी। ये है बेबी की दादी। गाइस मिलिए बेबी की नानी से, तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा नानी बनके? बहुत अच्छा। ये है भवना के मम्मी जो कि बेबी के नानी है और बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब ये नानी बन गए, पहली बार नानी बने हुए है ना। खुश है आप? बिल्कुल जबरदस्त। बढ़िया बढ़िया। हाँ दो बेटियां हो गई अब आपके पास है ना। तो गाइज हो चुका है टाइम भावना वगैरह का जाने का और यहाँ पे उनकी गाड़ी भी आ चुकी है और अच्छे से सामान वगैरह सेट कर रहे हैं ये लोग और भावना को भी हमने धीरे धीरे बाहर निकाल दिया है। और गाइज कैमरा में भावना ने उतनी ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, वो आराम कर रही थी, सो मैंने उतना ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया उसको। बाय 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 बेबी को बाय बोल रहे हैं और ये सो चुकी थी, तो बस बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम तक हमने गप्पे मारी, बहुत मज़ा आया। और ये वाला घर है मीरा दीदी का, जिन्होंने बेबी उठाई है, इनका घर है। फिर उसके बाद मैं आ गई रूम अपने और आज बसेस भी बहुत कम चल रही थी तो पहुंच गई रूम। हाय गाइस वेलकम बैक। तो गाइस मैं पहुंच गई अपने रूम और गाइस क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर इट्स ओके, कुछ नहीं है, गर्मी सहन कर लेंगे, पर बारिश नहीं होनी चाहिए। बट यार बहुत मज़ा आया मुझे भावना की बेबी के साथ, भावना यानी कि मेरी फ्रेंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दोनों ही एकदम स्वस्थ है, मस्त है, उसकी बेबी भी बहुत मस्त है, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, उसका व्लॉग भी बनाया है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने घर से गाड़ी मंगवाई थी, अपनी गाड़ी मंगवाई थी, तो बुजौरा तक पहुंचते इतना टाइम लगा, 1:30 बज गया, यहाँ पहुंचते 2 बज गए। तो अभी वो लोग भी निकल गए और मैं भी अपने रूम आ गई और अभी मैं पहुंच गई रूम। तो गाइज चेंज भी कर लिया है और ठंडे ठंडे पानी का आनंद भी ले लिया है और मैंने ना पूरा का पूरा जग लाया है पानी पीने के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे पानी की प्यास लगी है कि एकदम ठंडा ठंडा पानी पीना है। तो अभी मैंने एक गिलास तो पूरा पी लिया, अभी मैं एक गिलास और पीऊँगी क्योंकि यार इस गर्मी में अगर घर पे ठंडा ठंडा पानी मिल जाए ना तो मज़ा ही कुछ और है। आज का व्लॉग तो यार वेरी वेरी स्पेशल व्लॉग है गाइज या आज का, क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेबी के दर्शन हुए तो मैंने सोचा आज तो मैं व्लॉग बनाऊँगी। हालांकि मैंने उससे पूछा पहले कि तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना वीडियो में डालने के लिए, मतलब बच्चे को पहले ही, कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वीडियो बना और डाल, कोई चक्कर नहीं है। तो आगे जाके जब बड़ी होगी बेबी तो वो देख लेगी कि मेरी वीडियो बनाई थी, मैंने बनाई थी, तो इसीलिए मैंने सुबह व्लॉग शुरू किया। बाकी मेरा आज कोई व्लॉग बनाने का इरादा नहीं था क्योंकि अभी मैं एकदम फ्रेश हूँ, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने ठंडा ठंडा पानी भी पी लिया बहुत सारा और एक नाशपाती और एक सेब भी खा लिया। तो अब मैं सोच रही हूँ गाइस इस व्लॉग का एंड करती हूँ, तो दिन के 3 बज रहे हैं और मैं अभी सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए क्योंकि सर में ना बहुत 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 ज़्यादा दर्द हो रहा है।
सोच रही हूँ कि अब मैं सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर क्योंकि अगर मैं अभी आराम नहीं करूँगी ना तो मेरा सर दर्द इतना बढ़ जाता है कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं करती हूँ आराम और इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।